हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड स्ट्रीम फैमिली व्लॉग। कैसे हैं गाइस आप सब? खुशामदीद कहता हूं, आप लोग ठीक हो गए? आज माशाल्लाह से 29 रोज़ा है। पता नहीं हमारे पाकिस्तान में 30 पूरे करते भी हैं या नहीं करते, बट होता ऐसा ही है, 30 पूरे नहीं करते थे, 29 ही करते थे। तो बाकी क्या कहते हैं, आज हम व्लॉग बनाना था, हम नहीं बना सके। हम उठे बहुत देर से थे, पाँच कम से कम भी आधा घंटा था। हमने फटाफट अपनी सारी तैयारी करके हमने किया, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रोज़ा वगैरह रखा। तो अब क्या, आज की जो हमारी तारीख है वो है मेविश की खाला लगती, मेरी भी खाला लगती, उनकी तरफ हमारी तारीख है, आखिरी है रोज़ा। तो अल्लाह बेहतर जानता है यार। देखो हम तो कहते हैं 30 पूरे हो तो बाकी कोई पता नहीं है, पाकिस्तान ने 30 होने नहीं देगी। तो आज की अफ्तारी हमारी खाला की तरफ है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तैयार हो रहे हैं सब लोग, पूछते दे रहे हैं। ये देखें, ये मैं मेविश तैयार हो रही है, देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। तो उसके बाद ये मारिया है, ठीक है, तो ये हमारी दादो बैठी हुई है, ठीक है, गुस्से में। हेलो गाइस, आप लोग यहाँ, हम लोग इससे इन लोगों से पूछते हैं कितनी देर है मेविश, कितनी देर है? दस मिनट तक कह रहे हैं, जाने लगे, तैयार हो रही है। तो उसके बाद सानिया जो है चेक करें, सानिया भी तैयार हो चुकी, दादो हमारी बैठी हुई है। ओके गाइस, हम लोग अभी क्या कहते हैं तैयार वगैरह होते हैं, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके, लेट्स गो। 2 hours later। हेलो गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं गाइस? अफ्तारी वगैरह हो गई थी, खाना वगैरह भी हो गया था। उसके बाद क्या कहते हैं, खाने मेरे भाई ने कॉल किया था, अभी थोड़ा सा काम है तो वो कर जाएगा। तो बेचारे बहुत बुरे से बच गया, मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि पाकिस्तान ने इनमें इन लोगों ने नर्सिंग थी करने हैं, तो इन लोगों ने किए हैं, वही किया, तीसरा रोज़ा इन लोगों ने नहीं करना। तो उसके बाद ये चेक कर ले, एक ये हमारा चूची सा बेचारा फंसा हुआ है। तो उसके बाद ये हमारे बड़े भाई हैं, तो ये छोटे हैं और ये उससे छोटे हैं, ठीक है। तो यह तो साढ़ा है ना, की साढ़ा की साजी आ की हैगा, पैप आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मुझे खड़ा किया हुआ प्रेस पे, ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो उसके बाद क्या कहते हैं, अभी तक घर वाले गए हैं, बाजार गए हैं, उसके बाद पार्लर कर रहा हूँ, मेहंदी वगैरह लगानी थी हाथों से। तो मैंने भी अभी तक अपने सलोन पे जाना यार, क्या कह रहे हैं, इधर से फारिंग घुमाएंगे तो जाएंगे ना। तो अभी क्या कहते हैं, यहाँ पे काम है, थोड़ा करते हैं तो फिर मिलते हैं। और चले तो हेलो गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं यार? मैंने उनके साथ हेल्प कराई, दर्जियों के साथ बहुत ही बेचारों के साथ बुरा हुआ, फंस गए थे, तो उनके साथ थोड़ी प्रेस वगैरह की। उसके बाद क्या कहते हैं, सलोन पे गया, अपना खशत करवाया, कटिंग करवाई, तो फिर अपने कपड़े वगैरह लेकर आया, चेक करें। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कमरे की हालत देख लें कैसी हुई पड़ी, बस अचानक पता चला, तो फिर घर पे ऐसा ही अफरा तफरी हुई। तो मैरिज जो है वो भी मेहंदी शेहंदी लगवा के पार्लर से, उसके बाद बाजार के जी खोश होकर आ गई। तो फिर मैं उसके बाद क्या कहते हैं, खाला लोगों को छोड़ने गया था, मारिया लोगों को, सारी लोगों को छोड़ने गया। तो अब जो है मैरिज जो कर रही है शीर को, और मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, बता रही है आज इंडस को। तो अभी टाइम हो गया है 4:30 का, तो इसलिए अभी वो टाइम से बना के रख रही है। अभी उसको क्या कहते हैं, बना के फ्रीज़र भी करना है ना, ठंडा ठंडा खाने का मज़ा आता है। तो आज आप लोगों को दिखा, हेलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, अस्सलाम वालेकुम मेविश, ये क्या बना रही हो? शीर कोरमा। वाओ, ये देख रहे हैं शीर कोरमा कोरमा बन रहा है। तो माशाल्लाह से मेविश की मेहंदी देखे, माशाल्लाह, कोई बात नहीं, अभी तो दिखाओ, उनको बताया नहीं। वाओ वाओ, वेरी नाइस। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अभी मैं भी थोड़ा सा एक दो काम हो रहे, मैं भी वो कर लूँ, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। ओके, लेट्स गो। हेलो गाइस, कैसे हैं? मैंने अब शावर वगैरह ले लिया है, तो 6:30 का टाइम हो गया, 8 बजे तक जमात है ईद की। तो उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने कपड़े बाद में ड्रेस पहन लूँगा, बस अभी ना क्या कहते हैं शावर ले लेता हूँ, तो इसलिए। तो अब शावर लिया, तो फिर उसके बाद मिलते हैं। काम वगैरह मैंने जो करना था अपना कंप्लीट सारा हो गया है। तो मैं विष्णु भी जो करना था, हाँ, शीर कौरमा जो बनाना था वो भी उसने बना लिया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, अब घर की थोड़ी सफाई वगैरह कर ली है, तो बाहर से धो रही है, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मिलते हैं। ओके, लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं यार? मैंने घर पे बैठ नहीं सका, तो मैंने बोला चले अपने कज़न के पास चलता हूँ, जहाँ पे रात को कपड़े प्रेस कर रहा था, दर्जी के पास, अपनी मैं प्राडो पे जा रहा हूँ, चेक कर सकते हैं आप लोग। तो वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं। ओके, लेट्स गो, उनकी सूरत हाल लेते हैं, क्या सूरत हाल है उनकी।
हाँ जी मैं पहुंच चुका हूँ इनके पास। ठीक है, इनकी सूट हाल पूछते हैं, कितने सूट रह गए। कासिम भाई क्या हिसाब किताब है आपका? मेरा हिसाब किताब बहुत लंबा है। नहीं अभी ख़त्म हुए नहीं हुए? बस समझ लो 3-4 रह गए हैं। ओए होए अभी तक 3-4 रहते हैं। कासिम भाई और एक और भाई को दिखाता हूँ, उसका मुंह ऐसा निकला है चुप्पी सा, बेचारे का सूट नहीं सिला। ये चेक करें, उसने अब मुंह के ऊपर कपड़ा ले लिया। भाई जान उतारना अली भाई, जी भाई। ये चेक करें ये अब बेचारा हमारे भी नहीं स्टिचिंग, बेचारे की नींद की वैसे ही मत होगी हुई। तो एक और हमारा वो क्या कहते हैं उसका क्या नाम रखा हुआ था? टोपा। ये देखे ये सोया हुआ है, ये देखे ये चेक कर सोया हुआ बेचारा। तो उसके बाद क्या कहते हैं अभी इनकी सूट हाल ये है, रात को रहते थे कुछ 5-10 सूट थे, तो उसके बाद कहते हैं अभी तक भी 3 सूट हैं, अभी तक रहते हैं, अभी तक बेचारों ने अपने भी नहीं सिलाई किए, ये होते हैं दर्जियों के हाल। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं घर जाता हूँ, घर जाके मिलते हैं इनके पास, थोड़ा सा बैठते हैं। ओके लेट्स गो। वेलकम बैक। वहाँ से वापसी आया था घर में, कपड़े वगैरह पहने, आप लोगों को दिखा सकता हूँ। अभी फिलहाल नमाज का टाइम है ईद का, तो उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, तो फिर आपको फुल लुक दिखाएंगे। ओके वेलकम बैक। हमने माशाल्लाह नमाज ईद की पढ़ ली, तो घर पहुँच चुके हैं, अब मिलते हैं मेरिश को ईद वगैरह। ठीक है, तो उसके बाद छोटे को भी मिलते हैं, बड़े को भी। माशाल्लाह घर पहुँच चुके हैं भाई, कमरे की सेटिंग मैटिंग हो चुकी है, माशाल्लाह देखो कितनी प्यारी लग रही। ओए ओए अस्सलाम वालेकुम महवेश, ईद मुबारक, कैसी हो? और ठीक हो ना? आपको ईद भी तो दिखाना है ना। ये चेक, ये जी इनकी ईद मुबारक है महवेश की। तो उसके बाद क्या कहते हैं अब दूसरों को मिलते हैं तो फिर बाद में। ओके नहीं, ईद वगैरह तो मिल ली थी, उसके बाद क्या कहते हैं जो सेवियाँ थी वो किसने खा ली थी आप लोगों को? शीर कोरमा शाम को बनाया था तो इसलिए। तो उसके बाद क्या कहते हैं अभी कराची कॉल करना है मामा लोगों को, तो उनसे भी बात करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और फिर मेविस जो है अभी बच्ची की बाल सेट करने लगी, चेक करें तो अच्छा भाई अभी हमारी सेविंग वगैरह होगी, तो अभी क्या कहते हैं मामा को कॉल करते हैं, छोटा सा गुजारा था बस, मामा से बात ही करनी थी वो बारी के लिए। मेरी जो है ये देखें बच्चों को तैयार कर रही है, मल्ले की जो बच्ची है वो उसके पास आई है तैयार हो। पाल जा रही है आप लोग सुने, नंबर नहीं लग रहा है यार, सो रहे होंगे मेरा ख्याल, सुनी तो नहीं रहे होंगे कराची में इतने बड़े शहर में रह के तो, बट हम चेक करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, हाँ ही लेंगे है। हेलो गाइस, उठा ली कॉल उन लोगों ने। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक। अच्छा गाइस आवाज आ रही है, और बताएं सब खैरियत है? अच्छा हाँ, मम्मा से बात कराओ जल्दी तो, अभी भी मेरी मम्मा से बात होने लगी क्या करता है देखना। तो छोटी सिस्टर है वो मम्मा के पास फूल रखने के लिए, मेरे ख्याल में मम्मा सोई है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, अम्मी आपको भी ईद मुबारक, कैसी हो? हाँ जी मैं ठीक हूँ मम्मा, और आप ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। मैंने बोला मम्मा को ईद मुबारक कर दो, वैसे सुबह तो बात की थी सारी टाइम मैंने चांद मुबारक करने के लिए। तो ओके गाइस अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद, अब खाले की तरफ भी जाना है तो फिर ओके मिलते हैं। 3 hours later गाइस कैसे हैं आप सब, सबको ईद मुबारक, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। गाइस अभी मैं रेडी हूँ, रेडी होके अब मैं जा रही हूँ तुम्हारी तरफ,
क्योंकि माँ सानिया और भाईया की जो ईद थी वो मैंने देखी थी चांद रात को, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं बाजार ये वो कॉलेज वगैरह गई तो बिल्कुल टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला चलो ईद वाले दिन दे दूँगी, कोई बात नहीं ईद ही है। तो अभी मैं आपको पैकेट्स दिखाती हूँ मैंने जो बनाए थे, ये दो पैकेट्स हैं ये दोनों, ठीक है ये दोनों पैक मैंने बैग्स बनाए हैं ये इनको देने हैं, अभी दो बैग्स और भी वो मैंने कहीं जाना है फिर उनको दोनों फिर आपको साथ साथ सिखाऊंगी गाइस। तो उसके बाद आप लोग कमेंट में बताना कि मैं कैसी लगी। पहुंच चुके हैं खाला लोगों के, ठीक है तो उसके बाद आगे हम लोग जा रहे हैं, अब देखते हैं क्या क्या सीन है, क्या क्या होता है, चलते हैं देख ले। अस्सलाम वालेकुम सबको, ईद मुबारक, कैसे हैं? ठीक है, आओ जी आओ, वाओ जी वाओ, मारिया भी बोलो जी, आओ जी, आओ जी। अजीम भी, अजीम भी कहाँ है, अजीम को भी मिलो भाई, ईद मुबारक सानिया, आपको भी ईद मुबारक, और ये आपके लिए, इतना बहुत है, खुश होके ले लो, ओके। हेलो गाइस, अब बच्चों को सबको ईद वगैरह देगी दे दी, उनके जो गिफ्ट वगैरह थे वो भी दे दिए, तो उसके बाद हम सब आप लोगों को अपनी लुक दिखाते हैं फुल आज है। सबसे पहले आपको मेविश की लुक दिखाते हैं, चेक करें, ठीक है माशाल्लाह। उसके बाद सानिया की माशाल्लाह प्यारी लग रही है, ब्लैक सूट में नज़र ना लगे। उसके बाद मारिया की माशाल्लाह, ओह माय गॉड, ओहो। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरी और अजीम की लुक देखने आप लोगों को कैसे देखती अजीम, ओहो वाह वाह वाह, पूरी दिखाओ ना उसकी पूरी यार, साथ में जूते भी तो आए ना, हाँ अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा। उसके बाद हमें भी दिखाते हैं यार, हम भी हैं, अच्छा लग रहा, बहुत प्यारे, ओके गाइस, अब हम आपको मिलते हैं, अभी हम मम्मा वगैरह की तरफ आए, अब थोड़ी देर बैठेंगे तो उसके बाद आपको मिलेंगे, ओके गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक, कैसे हैं गाइस? हम लोग वहाँ से खाला लोगों की तरफ से काफ़ी देर के आ गए हैं घर पे, तो अब माशाल्लाह से क्या कहते हैं अंधेरा हो गया हुआ है, तो रात हो चुकी है, तो उसके बाद क्या कहते हैं भाई आज खाला लोगों का जो हालत हमारी तरफ है, ठीक है हमने बोला हमारी तरफ, अब आज उनकी दावत है तो आप लोगों को दिखाते हैं खाने में क्या क्या बना आशा है। हेलो गाइस, ये पुलाव बना रहे हैं, मैविश बना रही, उसके बाद ये मटन बना हुआ है जिसको कहते हैं बड़ा गोश्त, ठीक है ये वो बना है, तो उसके बाद पुलाव बना हुआ है, तो उसके बाद क्या कहते हैं खाला लोग अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो ठीक है आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया मानने कल का व्लॉग तैयार है चार रात का, तो अभी हमें एंड करते हैं आज का व्लॉग यहीं पर, ओके लेट्स गो। आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन करना और आगे शेयर करना और कमेंट करना, ओके लेट्स गो, अल्लाह हाफिज़।